ग्राफिटी बनी है उस तरह की हमने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई है, मतलब जैसे अलग अलग पोर्ट्रेट्स ट्राई किए, काफ़ी नई चीज़ है। कोणार्क टेम्पल का भी व्हील बना जा रहा है, ह्यूमन साइज व्हील बनाया जा रहा है, एंड ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स है, सरप्राइज एलिमेंट्स भी मिलेंगे आपको, ज़रूर देखने आना, बहुत सारी चीज़ें होगी देखने को। और जो आखिरी दो पैफ में बना है उससे काफ़ी अच्छा फॉर्म कर रहे हैं, सो प्लीज़ देखने आ जाना। तो देवी और सज्जनों, आपका रणभूमि में स्वागत है। तो जनता ऐसा है कि इस पेप में सब है, खून भी आएगा, आग भी आएगा, बर्फ भी आएगा, सब ऐसे में बहुत सॉलिड प्रॉड बन रहा है। ठीक है, आप वहाँ पे ऊपर नाच सकते हो, कुछ गाना वाना जो करना है करो, टेक होगा, असली का टेक होगा, कोई फर्जी टेक नहीं होगा, हम कोई फर्जी टेक क्लेम नहीं कर रहे हैं। तो भैया पैप देखने जरूर आना, ये आपका बेस्ट पैप होगा, ये मेरे है हमारे 5 सालों का बेस्ट पैप है। तगड़ी टीम है, सबसे तगड़ी डांस की, तो आ जाएं सब लोग देखने, द बेस्ट डांस टीम। तो मुकुल ने इनफी कोरियो किया, मुकुल हम लोगों का बहुत तगड़ा फ्रेश है। आप 31 मार्च 8 बजे गेट्स ओपन। सो एक्चुअली आप लोगों ने देखा कि हम लोग हमारे नज़रे से देखो कि ये एक साइलेंट सॉन्ग पर डांस कर रहा था। इस पैफ के अंदर आपको मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम अ वेरी लाइटर नोट एकदम इंटेंस होने वाला है, और जो एक्टिंग करी है अपनी वगैरह लोगों ने यार, काफ़ी ऑसम, मतलब सीरियसली। हमारा पैफ बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द टू पैफ्स, एंड जो वीओज मचा रहे हैं मतलब बहुत सुपर मचा रहे हैं, स्पेशली कृति की परिभाषा वाली वीओ और अर्पित विराट की 5 वाली वीओ, सुपर मतलब जनता बहुत अच्छा पैफ होने वाला है। और पहली बार आप देखोगे कि इतने सारे फ्रेशी सूफी बच्चे लीड रोल कर रहे हैं, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर पैफ। हम लोग चाहते हैं कि पैफ का कल्चर आगे बढ़े, तो हम लोगों ने चाहे कि सारे फ्रेशी और सूफी बच्चे बहुत एंथू से पार्टिसिपेट करें और वो सीखे कि पैफ कैसे होता है, और अनुपम ने काफ़ी अच्छा काम किया फ्रेशीज को सिखाने के लिए। तो इस पैफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अच्छा तो होगा ही, बट हम बहुत सारा कल्चर लोगों को देके आगे जाने वाले हैं। तो जनता आइएगा जरूर हमारा पैफ देखने 31 मार्च रात 8 बजे, जब ओईटी बनेगी रणभूमि।